बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अखोड़ी, अखोड़ी मेडोज़। तो आपको जैसे कि पता है कि हमने मूसा का मुसल्ला एक्सपीडिशन जो है वो कल स्टार्ट किया था, और अगर आपको नहीं पता, आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा, तो उसका लिंक जो है वो ये ऊपर आ रहा है। तो पहले जाके मेरा मशवरा है कि आप इसका पार्ट वन देखें, ताकि आपके जो चीज़ें समझने में आसानी हो सके कि कैसे यहाँ पे पहुँचे, किस तरह की ट्रैकिंग थी, कैसे हालात थे। तो रात को हमने जो है वो इस मस्जिद में स्टे किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ से ट्रैक दोबारा शुरू करेंगे, इसके बाद आगे आता है गली मैदान, और तकरीबन 1 से 1.25 घंटे की हाइकिंग है, और उसके बाद आगे फाइनल समिट है मूसा का मुसल्ला की, जो कि सी लेवल से 12,000 समथिंग फीट जो है वो अबव है। तो अभी चलते हैं, आपको ट्रैक भी दिखाते हैं, रास्ते के मनाजर भी दिखाते हैं, साथ में रहिएगा और इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा। एंड पे जाके अगर मौसम अच्छा रहा तो फिर आपको दिखाएंगे कि टॉप के ऊपर से क्या व्यूज़ आते हैं। तो चलिए मेरे साथ। मैं अकेला था जी, और हमारा 6 दोस्तों का ग्रुप होता है, तो परेशान भी था थोड़ा सारा अकेले होने की वजह से, लेकिन देखें इनको मिसगाइड किया गया और मुझे अल्लाह ताला ने 6 बंदों का ग्रुप रख दिया। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला अब आपको बखैर वफियत वापस लेके जाए। ये वापस जा रहे हैं, तो हम आगे अब निकलते हैं जी मूसा के मुसल्ला की तरफ। ये व्यूवर्स, चाय बनाई है मोहित ने, और साथ हमने किए हैं छोले हैं जी आज जी। तो अभी हम करेंगे नाश्ता, नाश्ता करके तो फिर निकलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, ये अखोड़ी मेडोज है, यहाँ से अभी निकले हैं, और ये अब आगे ट्रैक जो है वो सीधा इस हिल को क्रॉस करना है, ये ऐसे ऊपर जाके इसकी दूसरी साइड पे गली मैदान है। तो स्टार्ट पे ही स्टीप किस्म की ट्रैकिंग आ गई, चले चलते हैं देखते हैं। जी तो व्यूवर्स, तकरीबन 6:15 बजे सुबह ट्रैक स्टार्ट किया था, तो 7:15 हो गए, 1 घंटे में ये इतना सा ट्रैक किया है बस। वो सामने छोटी सी ये मस्जिद है, यहाँ पे रात को थे और तब से ये क्लाइंबिंग कर रहा हूँ मुसलसल, और अभी ये ऊपर वो टॉप को क्रॉस करना है। तो बड़ा टफ ट्रैक है, बड़ी हिम्मत और हौसले से होगा। तो अभी गली मैदान से भी 2.5 घंटे शायद 2.5 घंटे लग जाए, ऊपर टॉप तक जाने में लगेंगे, देखते करना तो है। बहरहाल एक चीज़ कहूँगा, टफ ज़रूर है, नो डाउट, इसका कोई भी पार्ट आसान नहीं है, यानी मुसलसल 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 चढ़ाई। तो लेकिन जो खूबसूरती और जो व्यूज़, जो रॉ नेचुरल ब्यूटी यहाँ देखने को मिली है ना, मज़ा आ गया कसम से। यानी कि ये जगह वर्थ है इसकी कि इसके लिए इतनी तकलीफ उठाई जा सके। तो चलें, अभी थोड़ा सांस ले लिया, आगे चलते हैं, आगे चल के फिर आपसे मज़ीद गपशप होती है। जी तो व्यूवर्स, फाइनली गली मेडोज पहुंच गए। तो ये मेरे पीछे जो है ये सारा एरिया ये गली मेडोज है, अगर ये थोड़ा सा आपको दिखा सकूं, और ये यहाँ पे मस्जिद है ये वाले। अगर किसी वजह से आपके पास कैंप नहीं है, तो जैसे नीचे अखोड़ी में मस्जिद थी, रुक सकते थे,
तो यहाँ पर भी स्टे किया जा सकता है। ये अब सारा ट्रैक है, यहाँ से ऐसे ऊपर वो टॉप जो है ये मूसा का मसल्ला है। तो देखने में बड़ा आसान सा और ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि सामने ही है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2-2.5 घंटे लगेंगे ऊपर टॉप तक जाते हुए। तो चलें, यहाँ तक आ गए हैं जी, आगे भी चलेंगे, चल के देखते हैं। बाकी आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ गली के, आप वो देखें, उसके बाद फिर अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेके 8 बजे ट्रैक शुरू किया है, तो अभी देखते हैं। देखने में ऐसे लग रहा है सामने, लेकिन ये जाते हुए पता चलेगा। तो आई एम क्वाइट श्योर के चले 2 घंटे में तो कर ही लेंगे। तो बाकी फिर रास्ते में मिलते हैं, ऊपर जाके मिलते हैं, फिर देखते हैं ऊपर से क्या नज़ारा है। बज गए हैं जी और अभी टॉप पीछे वो है, वो सामने। तो ये सारा वे अभी ऐसे होके ऐसे वहां तक जाना है। तो बड़ी स्टीप चढ़ाई है पर हिम्मत जवान है, जाएंगे इंशाल्लाह। मौसम थोड़ा धुंधला धुंधला है, वो नीचे इस आबादी से ट्रैक शुरू किया था, वो इतनी सारी हाइट जो है वो सारी पैदल चल के गेन की है। तो ट्रैक ये आ रहा है और ये इसी तरह से ऊपर अब चढ़ाई है। चलते हैं, कैमरे में इतना नहीं लगता स्टीप, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। ये जी 1 घंटे के ट्रैक के बाद चश्मा आया, यहाँ से पानी पी लें, बोतल भर लें, इसके बाद आगे आपको पानी नहीं मिलेगा। हाँ, टॉप पे बर्फ है वो मिल जाएगी, पानी नहीं मिल रहा। पानी पीते हैं तो फिर आगे ट्रैक को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी नज़दीक पहुंच गए जी, अब ये बस थोड़ा सा ट्रैक रह गया, लेकिन ये देखने में थोड़ा है, करने में बहुत ज़्यादा है और इसकी हाइट ठीक ठाक है। बाकी ये है कि ऊपर आके ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ना सांस ज़्यादा फूलता है। तो चलते हैं, मज़ीद आपको रास्ते में दिखाते हैं। पत्थर ही पत्थर हैं सारे, आपको नज़र आ रहा होगा और स्लोप भी आपको फील हो रही होगी। तो ये ऐसे बिल्कुल सीधे ही ऊपर जा रहा हूँ, थोड़े ही रह गया,
पहली ज़ियारत जो है वो तो मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये इस बड़े पत्थर के पीछे, तो देखते हैं। एक मशवरा है, जब आप साथ हैं तो एनर्जी लेवल के लिए लाजमी कुछ साथ लेके हैं, खजूरें, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स। मैंने ये गलती की तो वो तो भला हो, मुझे एक टूर ऑपरेटर प्यारे भाई मिले, उन्होंने मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें दी हैं, तो मेरा कुछ बना है। एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ना सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। बहरहाल चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। फाइनली बस ये सामने पीक रहेगी, लेकिन ये सामने भी ना बड़ा मुश्किल लग रहा है। चले चलते हैं, इसको समिट करते हैं। फाइनली दिस इज द समिट ऑफ मूसा का मुसल्ला, 12,000 प्लस फीट। एक तवील थका देने वाले सफर के बाद आप इस टॉप पे पहुंचते हैं, और इस टॉप पे पहुंचने के बाद क्या नज़ारे नजर आते हैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर आपसे गपशप होती है। ये कहलाती है जी ज़ियारत, और मूसा कोई चरवाहा था जो ऊपर आता था अपनी भेड़ बकरियां चराने, और यहाँ पे नमाज पढ़ता था, इस वजह से इसको मूसा का मसाला कहा जाता है। तो बाकी व्यू बहुत ज़बरदस्त है, और आना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, निकलें अपने कंफर्ट जोन से। मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन जब आप ऊपर आके इस व्यू को देखेंगे तो सारी थकावट खुद ब खुद उतर जाएगी। ये जो आप सारे सामने व्यू देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो है ना वो नारान वैली है, और ये उसकी पीक्स हैं। बर्फ़ ये ताज़ी ताज़ी अभी 2-4 दिन पहले बारिशें हुई हैं, बर्फ़बारी हुई है, तो व्यू बहुत खूबसूरत है। आएँ, ज़रूर आएँ, देखें। तो बाकी इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये हमारे जी प्यारे भाई हैं, कहाँ से तशरीफ लाए हैं सर? मानसहरा से। तो आपके तो फिर ये वो घर वाली बात हुई ना जी? बिल्कुल। तो पहली दफा आए हैं जी? फर्स्ट टाइम। तो कैसा रास्ते में आप कह रहे थे यार क्या जलालत है, हमें बैठे बैठाए इसको शौक चढ़ा, तो अभी क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो मेरे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जी, बहुत प्यारी जगह है देखने के काबिल, और इधर आएंगे आपको नेचर का पता चले क्या नेचर है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी तो जनाब, कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कैसा लगा आपको मूसा का मसाला, ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मुश्किल था, टफ ट्रैक था, अगर यहाँ आना चाहते हैं तो कुछ अरेंजमेंट ज़रूर करके, एक तो आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके पास हाइकिंग स्टिक लाजमी होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ एनर्जी के लिए चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अपने साथ लाजमी लेके आएँ। पानी जहाँ जहाँ मिले बॉटल पास रखें और उसको भरते रहें।
तो बाकी इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, उठें अपने दोस्तों के साथ, प्लान करें और निकल आएं। तो बाकी मेरी काविश आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी व्लॉग में किसी अच्छी जगह पे। अभी नेक्स्ट प्लान है कश्मीर वैली में कोई 8-10 दिन के टूर का, तो उसमें भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।